सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल है। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देख लीजिए। दावा है कि तिरुपति बालाजी मंदिर के पुजारियों में से एक पुजारी के घर पर आयकर विभाग ने छापा मारा। इस दौरान उनके घर से 128 किलो सोना, नगद 150 करोड़ रुपए और 77 करोड़ रुपए के हीरे मिले। फेसबुक और ट्विटर पर ये वीडियो इसी दावे के साथ वायरल है। व्हाट्सएप पर भी ऐसी कुछ तस्वीरें शेयर की जा रही है। तो क्या वाकई में ये वीडियो तिरुपति बालाजी मंदिर के एक पुजारी के घर में हुई छापेमारी का है? आइए देखते हैं ये फैक्ट चेक। व्हाट्सएप पर एक यूजर ने ऑल्ट न्यूज को बताया कि ये तमिलनाडु के वेल्लोर में हुई चोरी का माल जब्त करने का वीडियो है। सर्च करते हुए हमें 21 दिसंबर 2021 की द हिंदू की रिपोर्ट मिली। आर्टिकल में इस घटना के बारे में बताया गया है कि तमिलनाडु के वेल्लोर में एक शोरूम में चोरी हुई थी। इस घटना के एक हफ्ते बाद पुलिस ने मामला सुलझाते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था और 16 किलो सोना भी बरामद कर लिया था। पुलिस ने इस मामले में 23 वर्षीय टीके रमन को गिरफ्तार किया। न्यूज 18 तमिलनाडु के पत्रकार महालिंगम पोन्नुस्वामी ने भी इस घटना के बारे में बताते हुए एक वीडियो ट्वीट किया था। यानी तमिलनाडु के वेल्लोर में चोरी का माल बरामद होने का वीडियो और तस्वीरें झूठे दावे के साथ शेयर की गई कि तिरुपति बालाजी मंदिर के एक पुजारी के घर पर छापेमारी हुई और ये उसी का वीडियो है। इसके अलावा हाल में तिरुपति बालाजी मंदिर के किसी पुजारी के घर पर छापेमारी होने की कोई खबर नहीं है।